नहीं बस मुंह पे टेप ट कर छत पे टेप बांध के छत पे ले जाकर रख दिया था हाँ। और उसके बाद नीचे क्या हुआ तुम लोग नहीं देख क्या है बच्ची बच्ची के के साथ के साथ रेप करके और पंखा में लटका के और मार दिया और ऐसे दुपट्टा तो एक पति के रहते हुए अगर आप किसी और से प्रेम करते हैं या फिर नजायज संबंध बनाते हैं तो यह साल हमारी बहन जो है चौदह साल की वो नहीं पंद्रह साल की हुई नहीं है इस दुनिया में वही दिखा है जंगला कि देखो तुम्हारी बहन फांसी लगा मर गई वो मतलब मार करके और बोला कि आ करके देख लो कि तुम्हारी बहन फांसी लगा के मर गई मम्मो का लिया मेरे बेटी को रेप करके पंखा में झुला दिया बेटी का, का रेप करके मार दिया हाँ, मेरे लड़की है के ना हाँ। उसको बहुत सर दस में बिहार पुलिस के पढ़ाई पड़ेगा बिहार पुलिस में जाना चाहती थी हाँ जाना चाहती थी बिहार पुलिस में जाना चाहती थी साथ एक महिला है जिस महिला का एक पहले से पति होने के बाद एक गैर मर्द से संबंध बनता है और उस गैर मध्य ने इसका इनका इतना फायदा उठाया कि इनका कई सारा जमीन बेचना पड़ा कितना सारा विदेश का इनका जो अपने पति थे रियल पति थे उनका सारा कमाई आता था और गैर इंसान को दे देती थी उसके बाद जो इनके तीन बच्चे थे उन तीनों बच्चों को उस गैर मर्द पे विश्वास करके उसको छोड़ करके दिल्ली चली गई और उस एक जो बच्ची थी इनकी चौदह या पंद्रह साल की एक बच्ची थी शायद सुनने में मिला कि उस इंसान ने उस बच्ची का रेप करके गला घोट के मार दिया जैसा इनका आरोप है हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है ज़्यादा जानकारी इनसे लेंगे आप तीन तीन बच्चे की माँ है एक महिला है आपका शादीशुदा थी आप आपका पति था तब किसी और मर्द के संबंध में क्यों आई सबसे पहले आई। आ गया फोन कर रहा था ना तो फोन करते करते आ गया था उसके चक्कर में जब एक पति आपका है ना डिवोर्स हुआ ना कुछ हुआ तो फिर दूसरे पति दूसरे इंसान के साथ आप संबंध में कैसे आ सकती है पति का थोड़ी मालूम था ये बात कर रहा था पैसे वाले बात कर रहा था पति से मतलब छुप छुपा के बात करती थी छुप छुपे पैसे मांगती थी तो हम दे देते दे थे बच्चा लोग को छोड़ के दिल्ली फिर क्यों चली गई आपका पति भी नहीं था पति भी आपके साथ थे तो बच्चों को उस पर विश्वास करके कैसे चले विश्वास करके चले गए जो मतलब चलो इंसान को पैसा दे रहे तो मेरे बेटी को अच्छे से लगा सब दिन जब हम इसको खर्चा चला रहे पैसा दे रहे तो मेरे को बेटी के लिए बेटी के लिए का दस दिन एक महीना वो बंदा मेरे बेटी के नहीं रह सकता है इसी भरोसा पर रख के गया फिर तो बच्ची के साथ हुआ क्या आपके आज तो नहीं है तो बच्ची के साथ वो उसी ने बंदा में मौका का फायदा उठा हम नहीं था बच्ची क्या किया है बच्ची के साथ बच्ची के साथ रेप करके और पंखा में लटका के और मार दिया और दुपट्टा लगा के इस बात प्यार करती थी और आपको इतना बर्बाद कर दिया आप लोग कर्ज में भी डूब गए हैं अब उसके साथ क्या होना चाहिए जो इंसान ने किया है हम पैसा दिया तो माफ कर देते हैं मेरे से था वो भी गलती थे हम भी गलती किए थे मानती है ना कि आपका गलती था इसमें गलती था मानती है ना आपका पैसा दिया इसी का ना गलती है उपला पला मांगे थे पैसा दे देती थी मानते हैं जब पति है आपका बच्चों के लिए पढ़ाती लिखाती बच्चों को तो है पैसे दे दिया पैसा दे कर गलत में का दे लिया, मेरे बेटी को रेप करके ना उसको बहुत सरदा था जब मैं बिहार पुलिस के पढ़ाई पढ़ेंगे बिहार पुलिस में जाना चाहती थी हाँ जाना चाहती थी बिहार पुलिस में जाना चाहती थी मेरा बच्चा बोले तो मम्मी मैं पढ़ के बिहार पुलिस जो पुलिस टेस्ट परीक्षा जो है ना आ, उसमें सेकंड आई थी मेरा लड़की अच्छा सेकंड आई थी टेस्ट परीक्षा तो वो भी मतलब उर्दू के पढ़ाई पढ़ती आ, थे ना आ, तो मतलब फर्स्ट आती थे वो आ, जो मेथी का पढ़ाई होता है तो में फर्स्ट आती थी मतलब आप आपके हमारी फास्ट आती तो हाँ। उर्दू को पढ़ाई होती तो फास्ट आ जाती हाँ। तो एगो जो कौन सी पढ़ाई होता है ना संस्कृत पढ़ाई सेकंड टाइम थी हाँ। और मेरे लड़की के पूरा मतलब ये थी था जो करता था आपकी लड़की के साथ की मानते हैं मार दिया कुछ गलत किया होगा तभी ना तो डर होगा कि बोल देगी मम्मी से चौदह साल थे उस दिन पंद्रह साल के पड़ी थी बर्थडे के दिन मार दिया लड़की बर्थे के दिन मेरा लड़की पंद्रह साल उसी दिन पंद्रह साल की बर्थडे के दिन बर्थडे के, तो के दिन ही मार दिया हाँ चौदह साल खत्म होकर पंद्रह साल के दिन परी थी बर्थडे के दिन मतलब उसी जिस तो दिन, दिन जन्म हुआ था बर्थडे था उसी दिन मृत्यु भी दे दिया हाँ उसी दिन मृत्यु भी हुआ हाँ तो बर्थडे के दिन पार्टी वर्टी भी हो रहा था क्या नहीं था रूम पर पार्टी पार्टी कुछ भी नहीं था नहीं हम तो दिल्ली था उसको पास छोड़कर पार्टी पार्टी कुछ भी नहीं हाँ ऐसे ही मतलब मार दिया ऐसे वो हमको दो तीन दिन से मतलब बोल रहा था पहले कि रे क्या बोले छोड़े बात करे अच्छा तुम आ, उस दिन उस अपने बहन के साथ थी जिस बहन को मार दिया जिस दिन जन्म हुआ जन्मदिन के दिन मारा है ना हाँ। तो उस दिन क्या हुआ था कि आखिर तुम्हारा जो इनके आशिक था प्रेमी था कि उसको मार दिया तुम्हारे बहन क्या हुआ था उस दिन तुमको कर छत पे भेज दिया था तुम लोग को भी मारा था मार के छत पे भेज दिया था किसको किसको छत पे भेज दिया था हमको और हमारे भाई को दोनों को छत पे भेज दिया था कैसे मतलब बांध दिया था ले जाके नहीं हाँ। बाह पर टेप साट कर छत पे भेज पर टेप बांध के छत पे ले जाकर रख दिया था हाँ। उसके बाद नीचे क्या हुआ तुम लोग नहीं देखा नहीं। तो फिर कैसे पता चला की तुम्हारी बहन जो है चौदह साल की वो नहीं पंद्रह साल की जिस हुई नहीं है इस दुनिया में वही दिखा है की देखो तुम्हारी बहन फांसी लगा कर मर गई मतलब मार करके और बोला की आग करके देख लो की तुम्हारी बहन फांसी लगा के मर गई है तुमको क्या लगता है कि उसने मारा या फिर तुम्हारी बहन ने खुदकुशी किया तुमको क्या लगता है तुम वहाँ पे थी तुम्हारी मम्मी तो नहीं थी लेकिन तुम थी तुमको क्या लगता है सच क्या है वही मारा है वही मारा है कौन था वो पंकज सिंह पंकज सिंह पंकज सिंह के पास ही तुम लोग रहता था हाँ। कितना दिन से नहीं पता है अच्छा मम्मी तुम्हारी तुम्हारे पापा भी थे पापा कहाँ रहते पापा पापा तुम्हारे मम्मी मम्मी के साथ साथ रहते थे पे पे दिल्ली दिल्ली में तो मतलब वो जो ज्यादा हाँ। तो बात नहीं करूंगा लेकिन पूरा पूरा गलती दोनों का है इनका भी है और उसका भी है और इनका ज्यादा गलती इसलिए क्योंकि एक पति के रहते हुए अगर आप किसी और से प्रेम करते हैं या फिर नजायज संबंध बनाते हैं तो यह सरासर गलत है इसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता आप लोग प्रेम का नाम भी बदनाम करते हैं प्यार का शब्द जो है आज बदनाम हो चुका है तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों के की वजह से जो कि एक इंसान के रहते हुए एक पति के रहते हुए एक लड़के के रहते हुए एक और लड़के से लड़की से लोग प्यार करते हैं पाँच पाँच लोगों से प्यार करिएगा तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम बुरा होगा लेकिन जो भी चीज़ हुआ है इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो दोषी है उसको जाँच करके उसको कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे घटनाएं समाज में न हो और इन इन तरह के लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने की था कि अपने बच्चे को किसी गैर मर्द के पास प्रेमी समझ के आसिक समझ के रख देना जिससे महीना, महीना तीन -तीन साल, साल और खुद दिल्ली में चले जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए सम, ऐसी घटनाएं समाज को दूषित करने का प्रयास करते हैं बाकी आपकी क्या इस मामले को लेकर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि जो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है उसको साफ मिल सके और अगर इस मामले में दोषी अगर वह इंसान है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए और कहीं कही ना कहीं अगर दोषी यह भी है तो जांच करके इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए इस बात को मैं क्या के इस वीडियो को खत्म करता हूं जय हिंद